तो क्या सच में सलमान खान ने बिग बॉस 17 के सेट पर एलविस यादव को अच्छा बुरा बताने लगे, तो क्या है पूरी बात, चलिए जानते हैं। भाई लोग, तो इन दिनों एलविस यादव और मनीषा रानी बिग बॉस 17 में वीकेंड का वॉर एपिसोड में गए थे, और जब वो दोनों सेट पर सलमान खान से मिले तब सलमान खान एलविस को कहा कि अब आए हो तो वापस कर ही दो, जिस पर एलविस बोलते हैं क्या, तो सलमान खान बोलते हैं ट्रॉफी तुमने ही तो अपने ब्लॉग में बताया था कि ट्रॉफी वापस ले लो, जिस पर रिएक्ट करते हुए एलविस यादव सलमान खान को पूरी नेगेटिव पीआर कंट्रोवर्सी समझाने लगते हैं और बताते हैं कैसे कुछ लोग पैसा खर्च करके उनके ऊपर मीम्स बना रहे थे और उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने परेशान होकर अपने ब्लॉग में ऐसा बोला था। जिसके बाद सलमान उन्हें समझाते हुए बताते हैं कि आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत से लोग आपको नीचे गिराने के लिए आते हैं, बट आपको उन सभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस अपना काम करते रहना है और अब आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं। जिसके बाद मनीषा रानी इस बात को खत्म कर दिया और दूसरी बातें होने लगी। तो भाई लोग, इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है, क्या सलमान खान ने एलविस यादव को जो समझाया वो बिल्कुल सही है, हाँ या ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।